स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सोल में पावर ग्रिड में लगी भयंकर आग, मची अफरा तफरी। करोड़ों की संपत्ति नुकसान का अनुमान, 3 प्रखंडों की आपूर्ति ठप। दमकल की 3 वाहनों से आग पर काबू। रक्सोल के लक्ष्मीपुर स्थित विद्युत पावर ग्रिड में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से जोर की आवाज और आग के तेज लपटों के बीच वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग सहम गए, तत्काल विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। अविलंब इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देने के साथ स्थानीय प्रशासन को भी दी गई, जहां DCL R राम दुलार राम व कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह भी पहुंचे। घटना की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की 3 वाहन आग पर काबू पाने पहुंचे, जहां उसके कर्मी घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि आग पर काबू पाने में विद्युत विभाग के कर्मी व अनुमंडल के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसमें अग्निशमन विभाग के कर्मियों, विद्युत कर्मियों व अधिकारियों की सूझबूझ के कारण एक बड़ी घटना होने से बच सकी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने की वजह से रक्सोल, रामगढ़वा व सुगोली सहित कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार सुमन ने बताया कि आंतरिक तकनीकी गड़बड़ी के कारण आग लगी है, जिसमें करोड़ों रुपए की क्षति होने की संभावना है। विद्युत विभाग की टीम युद्ध स्तर पर लगी है। अगले 6-7 घंटे में विद्युत आपूर्ति बहाल कर देने की उम्मीद जताई जा रही है। संदीप एंटोनी की रिपोर्ट।